ओके गाइस, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं, टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ। इस टाइप के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काइनमास्टर एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे दिया हूँ, आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद एक वीडियो आपको शूट करना है ग्रीन स्क्रीन में। वीडियो आपको शूट कैसे करना है, यहाँ पर आपको वीडियो दो तरह से शूट कर सकते हैं। नंबर वन, वीडियो डायरेक्ट आप टिकटॉक के साउंड से भी शूट कर सकते हैं। सिंपल आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे रखा हूँ, उसी साउंड पे आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद उसी साउंड पे आपको वीडियो को शूट कर लेना है, बैकग्राउंड में आपको ग्रीन स्क्रीन होना चाहिए। और सेकेंड नंबर पर वीडियो जब शूट करेंगे आप, तो एक मोबाइल फ़ोन से वीडियो को शूट कर लेना है और दूसरे मोबाइल फ़ोन में वीडियो को प्ले कर देना है। तो इस तरह से आप वीडियो शूट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर दो तरीका बता दिया हूँ वीडियो को किस तरह से आपको शूट कर लेना है। जब आपका वीडियो शूट हो जाएगा तो चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से काइनमास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन है मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखे हैं, वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। लास्ट का पार्ट जो है कुछ इसमें एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा पार्ट को आपको ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है या फिर ट्रिम टू राइट कर सकते हैं। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टू राइट कर देना है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट था, एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने रिमूव कर दिया हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। आपने जो वीडियो शूट कर रखे है उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने टिकटॉक साउंड से ही वीडियो को शूट किया था, तो वीडियो को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। वीडियो सेलेक्ट करने के बाद यदि आपके वीडियो में कोई एक्स्ट्रा पार्ट है, तो एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। वीडियो को आपको एक से दो बार प्ले कर देख लेना है। हमारा वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैंची के निशान पर क्लिक करेंगे, ट्रिम टू लेफ्ट कर देंगे। वीडियो पर प्रेस करके रखना है, इसे आपको लास्ट तक लेकर आ जाना है। और लास्ट पॉइंट पर आना है, जो भी आपको एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट या फिर ट्रिम टू लेफ्ट कर सकते हैं। यदि वीडियो आप टिकटॉक के साउंड से अगर शूट किए होंगे, तो आपके वीडियो में एक्स्ट्रा पार्ट नहीं होगा। यदि अगर सेकेंड नंबर से वीडियो आप शूट किए होंगे, एक मोबाइल फ़ोन में आपको वीडियो को प्ले कर देना है और दूसरे मोबाइल फ़ोन से वीडियो शूट करना है। इस तरह से यदि आपने शूट किए होंगे, तो वीडियो में आपको एक्स्ट्रा पार्ट होगा, तो एक्स्ट्रा पार्ट को आपको रिमूव कर देना है। जब रिमूव हो जाएगा, तो वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है क्रोमा की का। क्रोमा की को सिर्फ आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है। ग्रीन कलर की पे आना है और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेना है। मैंने ग्रीन कलर इसलिए सेलेक्ट किया हूँ क्योंकि मेरा बैकग्राउंड में जो कपड़े हैं वो ग्रीन कलर का। यदि आपको कोई अदर कलर का कपड़े होगा, तो आपको अदर कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसे आपको क्या करना है, शो मास्क पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आपको बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए होता है, तो बैकग्राउंड को बिल्कुल आपको ब्लैक कर देना है। इसके बाद ये जो होता है, आपको फेस को वाइट करने के लिए होता है, तो आपको कुछ इस तरह से एडजस्ट आपको कर लेना है। फेस जो है आपको व्हाइट होना चाहिए और बाकी के पार्ट जितने भी है वो आपको ब्लैक होना चाहिए। कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है, काफ़ी ध्यान से आपको एडजस्ट करना है। इसके बाद शो मास्क पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं वीडियो आपको कुछ इस तरह से दिखने को मिल जाता है और ग्रीन स्क्रीन जो भी था वो आपको रिमूव हो चुका है। यदि सही से एडजस्ट नहीं होता है, तो इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से भी बिल्कुल आसानी से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एडजस्ट कर चुका हूँ, इसके बाद डन करता हूँ। डन करने के बाद वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसे आपको कुछ इस तरह से जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट कुछ इस तरह से कर देता हूँ और देख सकते हैं फाइनली मेरा वीडियो ये तैयार हो चुका है। ये वीडियो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। यदि आप इस तरह के वीडियो बनाते हैं, तो आपके वीडियो पे काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो हमारा वीडियो यहाँ पे फाइनली तैयार हो चुका है। वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे और इसके बाद ओरिजिनल साउंड जो है हमारे वीडियो का, ओरिजिनल साउंड को आपको म्यूट कर देना है। तो हमारा जिस, क्योंकि फर्स्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी साउंड था, इसलिए मैंने सेकेंड वाले वीडियो को साउंड को म्यूट कर दिया हूँ। इसके बाद सेटिंग पे आना है, आइडो फेड आउट को आपको ऑफ कर देना है और इसके बाद शेयर पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको HD 720p सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे रखा हूँ, उसी वीडियो के साउंड पर आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। फिलहाल में ये वीडियो टिकटॉक पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। साथ ही साथ टेक्निकल शैलेंद्र चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए, तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।